देखिया मैं चांद देखिया नूरा वाले सितारे देखिया। मेरा गांव मेरा देश विशाल बचित के साथ। भाई विशाल वशिष्ठ को आपने कई सीरियल्स में देखा है, कभी वीरा के बलदेव के रूप में तो कभी गंगा के सागर के रूप में, लेकिन आज विशाल वशिष्ठ दिख रहे हैं अपने रियल रूप में, वो भी अपने अपने शहर कोलकाता में। तो नीली एंट्री यारे बजलमों ने घंटी यारे। जी हाँ, विशाल है कोलकाता निवासी और आज ये सास बहू और बेटिया को घुमाने वाले हैं अपना गांव अपना देश यानी अपना कोलकाता। सास बहू बेटिया के खास सेगमेंट मेरा गांव मेरा देश में आज विशाल पहुंच गए हैं अपनी जन्मभूमि कोलकाता में और यहां पर ताजा कर रहे हैं अपनी बचपन की यादें, घुमा रहे हैं कोलकाता की ट्रैम में, खा रहे हैं स्वादिष्ट पुचका गंगा किनारे, ले रहे हैं ताजी हवा और हावड़ा ब्रिज का मजा, कर रहे हैं कोलकाता की टैक्सी में सैर, मिला रहे अपने पापा से और साथ साथ कर रहे हैं ऐसी जगह लंच जहां वो बचपन में अपनी फैमिली के साथ जाया करते थे। और यादों की ये बारात निकली है सास बहू और बेटिया के साथ जो विशाल के साथ पहुंच गया है सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। तो चलिए विशाल के साथ मेरा गांव मेरा देश की शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जहां से कोलकाता शुरू होता है यानी प्रिंसेप घाट, जहां पर हावड़ा ब्रिज और विद्या सागर सेतु एक साथ गंगा के किनारे हैं। सो गाइस हाय, वेलकम टू माय सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और आप मेरे साथ आ जा रहे हैं प्रिंसेप घाट पे, यू कैन सी, और उसके ऊपर है विद्यासागर सेतु विच इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू ब्रिज, नया ब्रिज, और थोड़ी और आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा हावड़ा ब्रिज। एक्चुअली जो हुगली रिवर है वहाँ यहाँ से उसका बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है। तो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ प्रिंसेप घाट, यहाँ से प्रिंसेप घाट शुरू होता है और अब और आगे जाओगे तो आप ट्रैम्स भी पास करते हैं, उसके बाद आप बोट राइड्स दे सकते हो, शिकारा में बैठ सकते हो, आपको शिकारा विद्यासागर सेतु के नीचे से लेके जाते हैं, इट्स अ वंडरफुल बोट राइड। तो चलिए वो भी एक्सपीरियंस करते हैं। कोलकाता कभी ब्रिटिश इंडिया की राजधानी रहा करती थी, इसलिए यहाँ के हर कोने पर अभी भी उसी सभ्यता की छाप दिखती है और प्रिंसेप घाट पर भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन प्रिंसेप घाट पर खास है गंगा किनारे का वो नजारा जहाँ पर मशहूर है हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु का ये संगम। अगर आप देखा जाओ तो इट्स इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल बहुत सारे सेटअप्स हैं उधर एंड हावड़ा इज अ बिग 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 एरिया इन टर्म्स ऑफ कोलकाता। कैलकटा एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, हावड़ा एक अलग डिस्ट्रिक्ट है एंड जो कैलकटा में अगर आप रहोगे तो आपको हावड़ा के बारे में, इफ़ यू वंस गो टू हावड़ा देन यू विल सी वंस यू क्रॉस द ब्रिज ओवर देयर, क्योंकि मैं भी ऑनेस्टली ज़्यादा रहा नहीं हूँ बट घूमा बहुत हूँ वहाँ पे। वहाँ सुबह सुबह हम ड्राइव्स के लिए जाते थे, कभी मैं ट्यूशन के लिए भी जाता था उधर, सो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एरिया। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, अरे इट्स एक्साइटिंग इनफ कि एक स्टेट में एक सिटी में देर आर टू डिफरेंट लोकेशन सेपरेटेड बाय अ ह्यूज सेक्रेट रिवर, सो दैट्स आई थिंक वेरी फैसिनेटिंग। भाई ये नदी दो शहर कोलकाता और हावड़ा को जोड़ती है और ये है यहाँ का फेमस पिकनिक स्पॉट। भाई विशाल भी यहाँ पर बचपन में पिकनिक मनाने आते थे और गंगा किनारे इन डूबती हुई लहरों और डूबते सूरज को देखकर वो हो गए इमोशनल। सो ये है आपका प्रिंसेप घाट, दिस इज बहुत ही सीनिक लोकेशन है ये, क्योंकि यहाँ पे वहाँ दूर जो भी फॉग से कवर्ड है हावड़ा ब्रिज है और यहाँ पे ये नया ब्रिज है विच इज़ कॉल्ड विद्यासागर सेतु और ये अपना हुगली रिवर है। यहाँ पे लोग शाम को अगर आप आओगे तो यहाँ बोट राइड्स होती हैं, यहाँ लोग फेरी राइड्स के लिए भी जाते हैं जस्ट अक्रॉस, तो इट्स अ ब्यूटीफुल साइट। और इवनिंग के टाइम द सनसेट जो आपको दिख रहा है, दैट इज़ वन ब्यूटीफुल सीनरी विच एवरीबॉडी वांट्स टू सी। सो यहाँ पे हम भी कॉलेज डेज में बहुत आए हैं, स्कूल डेज में भी आते थे, वो एक टाइम था ना जब सब लोग रात भर पार्टी करते थे, उसके बाद सुबह क्या करें, तो वी यूज़ टू टेक अ राइड ओवर हियर 8 to 10 ऑफ अस इन वन बोट, एक घंटे तक हम राइड करते थे, गाने वाने गाते थे, तो आई थिंक ये सब यादें कभी भूली नहीं जा सकती, दैट्स व्हाई कीप कमिंग बैक टू देम एंड आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर, मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो हियर इज इट।
गंगा किनारे वक्त बिताकर अब वक्त है थोड़ा और सैर सपाटा करने का। अरे भाई, कोलकाता की गलियां मशहूर है अपने पुचकों के लिए, जिसे हम पानी पूरी और गोलगप्पा भी कहते हैं। तो ये पुचके थोड़े बड़े बड़े होते हैं और ज्यादा चटपटे भी। तो आज विशाल हो गए चटोरे और गंगा किनारे उनका पुचका खाने का मन हुआ। पुचका पे हमने एक स्टॉप नहीं लगाया, तो लकीली प्रिंसेप घाट ने हैज ऑफर्ड अस अ गिफ्ट एंड हियर वी आर। इसमें आलू है, खट्टा मीठा पानी है, इसमें घुगनी नहीं है। फॉर ऑल द मुंबईकर्स आई एम रियली सॉरी, बट दिस इज इवन टेस्टी एज इज देयर। बॉम्बे में भी आई ट्राई हैविंग द पानी पूरी, उसमें घुगनी डाल देते हैं, तो दैट्स नॉट वन ऑफ माई टेस्ट। यहाँ आगे ऐसा लग रहा है आई एम बैक होम। भाई, अगर कोलकाता की सैर करनी है तो ऐसी चीज में की जाए जो यहाँ की यूनिक हो, और वो है यहाँ की पीली एम्बेसडर वाली टैक्सी, जो केवल इसी शहर में नजर आती है। तो जरा घूमे कोलकाता इस टैक्सी में बैठकर। कैनेडा की स्पेशलिटी द येलो टैक्सी एम्बेसडर, जो आपको कहीं इंडिया में नहीं मिलेगी। ये और एक ट्रैम जिसकी सफर हम लोग करने जा रहे हैं, सो लेट्स हिट द टैक्सी फर्स्ट और ट्रैम में आप जल्दी देखोगे। भाई, विशाल कोलकाता की टैक्सी में बैठकर बिल्कुल अपने कॉलेज के दिनों में चले गए। हम टैक्सी का सफ़र कर रहे हैं, और आप जब भी कैलकटा आओ तो ऊबर ओला तो हम हर समय ही लेते हैं जहाँ भी हम काम करते हैं, बट टैक्सी कैलकटा में लेना ज़रूर, द येलो एम्बेसडर कैब, डोंट फॉरगेट दैट। ज़रूर याद रखिएगा, इसमें बैठेगा और कैलकटा की सैर करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो ये मैं कर रहा हूँ और इसके बाद मैं जा रहा हूँ ट्राम में, तो आपको मैं वहाँ मिलता हूँ। लव यू। क्योंकि विशाल ने अपना कॉलेज स्कूल कोलकाता से ही किया है और वो टैक्सी में ही जाया करते थे। टैक्सी के बाद बारी है एक और यूनिक चीज में यात्रा करने की, और वो है यहाँ की ट्रैम। पूरे इंडिया में केवल आपको कोलकाता में ही ट्रैम मिलेगी, और वो भी पूरे 100 साल पुरानी, जो अभी भी यहाँ की सड़कों पर सरपट दौड़ती है। तो हो जाते हैं ट्रैम पर सवार। श्यामे मलंग सी, राते सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी। कल्चर बहुत ही हेरिटेज, एक समझ लीजिए बहुत ही आइकॉनिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है कैलकटा का, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ कोलकाता, विच हैज़ बीन प्रिजर्व फॉर सिंस, मतलब सिंस आई डोंट नो फॉर एवर, जब तक सिंस द ब्रिटिश केम इनटू रूल, तब से आज तक लेके ये फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, अपग्रेड हुआ है, नए नए ट्रैम्स आए हैं, और दिस इज ये सबसे पुराना ट्रैम है जो आप देख। एक ट्रैम का पिक्चर भी लगा हुआ है विच सेज कि दिस वॉज द एक्चुअल सीन, इट वॉज सबसे जो मेन एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है कैलकटा का यही था, और बेसिकली वो इस पिक्चर में कह रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो एक टिपिकल पंखा भी है ट्रैम में हमारे, द ह्यूज पंखा, ह्यूज फैन। अगर हमें चांस मिला तो हम शाम को भी आपको यहाँ इसका नज़ारा दिखा पाएंगे, अगर हमें चांस मिला तो। विशाल के साथ ट्रैम पर यात्रा करना काफी दिलचस्प अनुभव था। दिस इज विक्टोरिया, मैं अपने भैयाओं के साथ यहाँ आता था, मेरे दो भैया थे अभी भी हैं, हम लोग सुबह यहाँ क्रिकेट खेलने आते थे, मैं सबसे छोटा था उनमें, बट या आई हैव लिव्ड माय चाइल्डहुड ओवर हियर। ट्रैम्स भारत की पुरानी सभ्यता की निशानी है, जो हमारे देश से लगभग हर जगह खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ पर ट्रैम्स यहाँ की सड़कों पर दौड़ती है। कोलकाता घूमने के लिए ट्रैम सबसे सुंदर और सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वैसे यहाँ पर हमें विक्टोरिया मेमोरियल भी नजर आया, यानी कोलकाता का ताजमहल। That's there, Victoria Memorial, right there. मुंबई में जितना काम भागा दौड़ी है, यहाँ पे उतना ही आराम है, एंड अगर आप कहीं भी रहो, शायद आप मुंबई में भी रहो, तो एक होम सिटी का एक आपको अटैचमेंट रहता है। बस मेरे साथ भी वही है कैलकटा के लिए, सो दीज थिंग्स आई डोंट फाइंड इन मुंबई, तो इसीलिए मैं यहाँ वापस आता हूँ और कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ, एंड राइट नाउ आई एम हियर फॉर वर्क, मैं काम भी कर रहा हूँ, एंजॉय भी कर रहा हूँ, नथिंग बेटर देन दैट।
वैसे आजकल विशाल कोलकाता में अपने नए सीरीज जय कन्हैया लाल की शूटिंग कर रहे हैं, इसलिए अपने घर पर शूटिंग भी हो रही है और मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड भी। वैसे विशाल से मिलने उनके पापा भी यहाँ पर पहुँचे। सो प्लीज से हेलो टू माय डैड, ये सारे मेरे फ्रेंड्स देख रहे होंगे, आई एम श्योर दे आर वेरी क्यूरियस टू मीट यू। सब मिलना चाहते थे मेरे डैड से। दिस इज माय डैड एंड आई एम हिज सन। कोलकाता में भी शूट कर रहे हैं, घर भी यहाँ है, तो आई थॉट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि यहाँ घर पे रहें। आफ्टर 5 इयर्स यस, हमको भी अच्छा लग रहा है। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम, चल दो ना साथ मेरे। चलिए भाई, यादों की बारात को आगे बढ़ाते हैं और जाते हैं उस जगह जहां पर विशाल बचपन में अपनी फैमिली के साथ लंच करने आया करते थे, और ये जगह जुड़ी हुई है राजस्थान से, क्योंकि विशाल दरअसल राजस्थानी है लेकिन बसे हुए हैं कोलकाता में। तो चलिए कोलकाता में उठाते हैं राजस्थान का मजा। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं कोलकाता के एक मिनी राजस्थान में, एंड इस जगह का नाम है गंगौर। तो बेसिकली जैसा आप देख रहे हो कि वॉल पेंटिंग्स जो यहाँ हैं बहुत ही राजस्थानी एथनिक, वेरी एथनिक है, और ये सारे जो पेंटिंग ने लटकाए हैं तो बहुत ही ऐसे लगता है कि आप राजस्थानी पहुंच गए। और हम वैसा ही राजस्थानी टेस्टी खाना खाने वाले हैं, क्योंकि मैं भी राजस्थान से हूँ, तो मैं आपको आज इन्वाइट करता हूँ, प्लीज़ आइए मेरे साथ खाइए। कोलकाता के मशहूर गंगौर रेस्टोरेंट में जैसे पूरा राजस्थान सिमट आया हो, और विशाल तो जैसे यहाँ पर बन गए राजस्थानी। ये बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट है, एकदम राजस्थानी थीम बेस्ड, विच इज कॉल्ड तीज। तीज एक ओकेजन भी होता है, एक फेस्टिवल होता है हमारे मारवाड़ियों के घर में, और बहुत ही मान्यता है उसकी। तो आप देख रहे हो ये जो वॉल पेंटिंग्स है सब राजस्थानी इंस्पायर्ड है, द इंटीरियर, द टेबल चेयर्स, एवरीथिंग, बीड, द लाइट्स। आप अगर देखोगे तो जो हमारे यहाँ पे जो सर्व कर रहे हैं वो भी एक राजस्थानी पगड़ी पहन के घूम रहे हैं। आप अगर इधर आएंगे सो वील मीट वन मोर। आप इधर आइए प्लीज़, आपका नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम है राजीव मजुमदार। राजीव मजुमदार, ही इज़ वर्किंग एज अ सर्वर ओवर हियर इन आर रेस्टोरेंट, एंड चीज़ आप देख रहे हो दिस इज़ वेरी राजस्थानी है, राजस्थानी एक टिपिकल पगड़ी पहनते हैं लोग, एंड सो देयर यू गो। और अगर आप बाकी रेस्टोरेंट देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर राजस्थानी थाली सर्व होती है, विच इज़ वेरी फेमस, and that's what we are going to eat now, so see you. अब जरा खाते हैं यहाँ की ऑथेंटिक राजस्थानी थाली, जहाँ पर तरह तरह के पकवान कर रहे हैं विशाल का इंतजार। बचपन से यहाँ बहुत आता हूँ, और पहले फैमिली के साथ आता, हमारे गेट टुगेदर्स यहाँ होते थे, तो उसके बाद फ्रेंड्स के साथ आने लग गए, सो आई थिंक यहाँ का खाना हम बहुत इन्जॉय करते हैं। तो आज मुझे चांस मिला कि आप लोगों को भी यहाँ एक जगह दिखाओ कि जब आप कोलकाता आओ, अगर आप कोलकाता में हो या कभी भी आओ तो यहाँ ज़रूर आना, यहाँ का राजस्थानी थाली बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग है, ट्रस्ट मी। आपका अपना विशाल वशिष्ठ बोल रहा है, तो झूठ नहीं बोल रहा होगा। सो स्टार्टिंग विद दही वड़ा, उसके बाद ये है चूरमा, ये है बाटी जो इसके साथ ही खाते हैं, जैसे आपने सुना होगा दाल बाटी चूरमा, तो दाल बाटी एंड चूरमा। यह है गट्टे की सब्जी, यह है सांगर की सब्जी जिसे सांगरी भी कहते हैं हम लोग, यह है पकोड़ी की कड़ी, राइस एंड छेने का एक मिठाई, और यह हमारे छाछ, और यहाँ पे दो तरह की रोटी है, यह है मिस्सी रोटी, मिस्सी रोटी एंड बिदुई पूड़ी। सो दिस इज ऑल इन ऑल ऑथेंटिक राजस्थानी थाली जो हम खाने वाले हैं, सो लेट्स सी। चाहे गट्टे की सब्जी हो, पूरी हो, रोटी हो, विशाल ने आज जमकर ये थाली कंप्लीट की। और जरा देखिए तो इनकी मारवाड़ी थाली कैसी साफ हो गई है भाई, वाह, यहाँ का स्वाद तो बड़ा अनोखा है। तो भाई स्वाद भरे जायके के साथ हमने अंत किया अपने इस कोलकाता के सफर को। तो उम्मीद है विशाल के साथ उनका गांव और उनका देश घूमकर आपको कोलकाता के बारे में छोटी छोटी बातें विशाल के थ्रू पता चली होंगी, जो आपको बताई सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया ने। हम आ चुके हैं अपने दिन के एंड में, एकदम बहुत अच्छा दिन गया हमारा, और बहुत अच्छा खाना हमने खाया। देखिए ऐसा साफ मैं अपने घर पे भी नहीं करता हूँ, और वी हैड अ ग्रेट डे, पेट पूजा भी हो गई है,
आई होप आप लोगों को मज़ा हो मेरी नज़रों से मेरे साथ आपने कलकत्ता देखा मेरा शहर एंड आई होप टू सी यू सून ओवर हियर चलो बाय बाय अब त्यागी कोलकाता आज तक